तो इस अग्निपथ नाम से मुझे 1991 का अमिताभ बच्चन की फिल्म याद आ गई अग्निपथ, उसमें भी बहुत एक्शन था, ड्रामा था, यहाँ भी बहुत ड्रामा हुआ अग्निपथ आने के बाद। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है अभी वो त्रिशंकु की तरह हो गई है, ना इधर है ना उधर है, बीच में लटका हुआ है। देखिए अग्निपथ योजना मैं कहता हूँ कि किसी भी तरह से गलत नहीं है, मैं तो कहूँगा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है पर्टिकुलरली मुस्लिम बॉयज़ एंड बॉयज़ के लिए, क्योंकि इससे पहले इस तरह का योजना डिफेंस में कभी नहीं आया। बीजेपी सरकार आई है, ठीक है, तो ये अपने लोगों को हमेशा महफूज रखा है, ठीक है, और जो अपोजिशन वाले हैं उनके घर में ईडी और सीबीआई भेजा जा रहा है। हो सकता है कि 4 साल के बाद जब वो रिटायरमेंट करेगा तो उसी पैसा से वो अपना कुछ बिजनेस भी शुरू कर सकता है, या फिर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 साल तक एज है मैक्सिमम, और स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस के लिए बंगाल में 40 साल तक है, तो कोई ना कोई और भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए आपको मिलवाते सामाजिक कार्यकर्ता और टीएमसी समर्थक नदीम सिद्दीकी से, जिन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खुलकर कहा है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम मुसलमान युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होगी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए अग्निपथ स्कीम का लेके मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे कि देखिए नदीम भाई तृणमूल का हो के लगता है बीजेपी होने जा रहे हैं क्या, बीजेपी का सपोर्ट। अग्निपथ योजना जो है देखिए 2014 से बीजेपी सरकार आई है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ये योजनाएं बनाते रह गई है। हम तो सिर्फ देखें कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, सिर्फ ये योजना यो योजना, तो चलो आखिर में एक और योजना उभर के आया है अग्निपथ योजना। तो इस अग्निपथ नाम से मुझे 1991 का अमिताभ बच्चन की फिल्म याद आ गई अग्निपथ, उसमें भी बहुत एक्शन था, ड्रामा था, यहाँ भी बहुत ड्रामा हुआ अग्निपथ आने के बाद। ठीक है, तो अच्छी बात है, लोगों को बढ़ चढ़ के आना चाहिए। नूपुर शर्मा अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई, ये तो केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार की हुई। इतना ज़्यादा उसको लेके पूरे मुसलमान हिंदुस्तान के आवाज़ उठाएं, लेकिन केंद्र सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा, तो लिहाजा अगर जब तक वो अरेस्ट नहीं होगी, मुख्तलिफ शोबे से मुख्तलिफ जगह से हिंदुस्तान के हर कोने से एक देखिएगा एक एजिटेशन एक आंदोलन जागेगा, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नूपुर शर्मा बहुत जल्द अरेस्ट होगी, उसे अरेस्ट करना भी चाहिए। पुलिस यहाँ कोलकाता पुलिस ने ये पता है हमको, कोलकाता पुलिस नारकुलडांगा थाना ने उसे सम्मन किया था, 20 जून को उसकी हाजिरी की बात थी, लेकिन उसने ये कहा कि हमको 4 हफ्ता का समय चाहिए, 4 सप्ताह का समय चाहिए, मेरे जान को ख़तरा है, या ऐसा कुछ उसने कहा नूपुर शर्मा को, जैसा मैंने सुना है। तो 4 हफ्ते के बाद देखते हैं फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं FIR इंशाल्लाह नहीं होगा तो फिर हम लोग जो हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम लोग अपनी तरफ से एक FIR कर देंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है, देख लेते हैं, हुकूमत को भी समय देते हैं क्या करता है नहीं करता है। देखिए अग्निपथ योजना मैं कहता हूँ कि किसी भी तरह से गलत नहीं है, हाँ ये ठीक है, ये इंडियन डिफेंस में ये आर्मी में ये पहली बार ये योजना आया है तो लोगों को ज़रा मुख्तलिफ लग रहा है। तो मैं ये बता दूँ कि जहाँ तक अग्निपथ का सवालात है या अग्निपथ से योजना से लेके जो ये बातें हैं, मैं तो कहूँगा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है पर्टिकुलरली मुस्लिम बॉयज़ एंड बॉयज़ के लिए, क्योंकि इससे पहले इस तरह का योजना डिफेंस में कभी नहीं आया। इसका फवायद मैं बता दूं कि जैसा कि सरकार ने किया है कि 17 साल से लेकर 23 साल के बच्चे जो हैं इसमें आ सकते हैं, रिक्रूटमेंट में आ सकते हैं, रैली में आ सकते हैं, तो मैं देखता हूं कि हर 4 साल के बाद यानी 25-26 साल के जब वो होंगे तो वो यहां से रिटायरमेंट ले लेंगे, तो रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ पैसा भी दिया जाएगा पेंशन के तौर पर, या जो उन लोगों का जमा होगा वो मेरे ख्याल से 11,60,000 समथिंग आ रहा, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लड़कों के लिए, इसमें बढ़ चढ़ के आना चाहिए, इस मौका को पकड़ना चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि लोगों को एकोमोडेट करने के लिए सरकार ने मेरे ख्याल से ऐसा स्कीम लाया है, चलो ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि किसी भी नुक्ते नज़र से ये गलत नहीं है, हो सकता है कि 4 साल के बाद जब वो रिटायरमेंट करेगा तो उसी पैसा से वो अपना कुछ बिजनेस भी शुरू कर सकता है, या फिर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 साल तक एज है मैक्सिमम, और स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस के लिए बंगाल में 40 साल तक है, तो कोई ना कोई और भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कातिल थे वही मुंसिफ ठहरे।
ठीक है, तो मेरा जहाँ तक ज़किया जाफरी का मामला है और उनके केस को यूं कहिए कि मैंने किसी तरह से दबा दिया गया है और मोदी जी को क्लीन चिट दे दिया गया है, तो ये जब से बीजेपी सरकार आई है, ठीक है, तो ये अपने लोगों को हमेशा महफूज रखा है, ठीक है, और जो अपोजिशन वाले हैं उनके घर में ईडी और सीबीआई भेजा जा रहा है। आप देखिए शुभेंदु अधिकारी को, शुभेंदु अधिकारी नारदा मामला हो, शारदा मामला में अभी भी उसका नाम है, उसको अभी तक क्यों नहीं तलब किया गया? क्योंकि उस बीजेपी में, इसलिए उसको सेफ साइड मिल जा रहा है। और मोदी जी इतना बड़ा दंगा फंसा 2002 में गुजरात राइट का, और उनको क्लीन चिट मिल लिया जाता है, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी वाली बात हो गई। देखिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है अभी वो त्रिशंकु की तरह हो गई है, ना इधर है ना उधर है, बीच में लटका हुआ है। तो त्रिशंकु का मतलब आपको तो समझते हैं कि त्रिशंकु एक ऐसा, आपको बैकग्राउंड मालूम है उसका, मैं नहीं जाऊँगा बताने। तो लिहाजा ये जो महाराष्ट्र में जो ये अचानक पॉलिटिकल क्राइसिस आया है, इसका एक ही वजह है कि मुझे जो लगता है कि जितने भी 45 MLAs हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं से टॉर्चर किया जा रहा है या डिस्टर्ब किया जा रहा है ईडी और सीबीआई के ज़रिया, ऐसा मेरे को लगता है, ताकि ये किसी तरह से डर से सब दोबारा फिर बीजेपी में आ जाए और उद्धव ठाकरे की सरकार जो है माइनॉरिटी में आ जाए। तो इस तरह से इन लोगों का हथकंडा है मेरे को लग रहा है। ये दल बदल के चक्कर में तो लोग दलदल में जा रहे हैं सियासत में, ठीक है, बहुत सा है, लेकिन बोलने का मतलब ये दल बदल कोई नया नहीं है, ये होते ही रहता है, सियासत है। कभी कोई देखिए हमारे बाबुल सुप्रियो पहले बीजेपी में थे, फिर वो टीएमसी में आ गए, इस तरह के और भी बहुत से नेता हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा। तो ये तो दल बदल की राजनीति है, सियासत है, वो सब चलते रहता है, कोई नई बात नहीं है। देखिए जनता के साथ धोखा है या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा उन लोगों का कार्यकर्दगी से, वो किसी भी पार्टी में जाएँ, जनता के लिए अगर काम करते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, और अगर जनता के हक में नहीं होता तो वो गलत है, तब उस समय ये धोखा होगा। लेकिन अभी हम निर्णय नहीं ले सकते हैं कि वो लोग धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शमूलियत हो रही है, तो चलो भाई वेलकम है, ऐसा तो संविधान में भी नहीं है कि वो दल बदल नहीं कर सकता है, कर ही सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है।